और अगली बड़ी खबर इस वक्त लातेहार से सामने आ रही है, जहां पुलिस को माओवादियों के खिलाफ एक और सफलता मिली है। सुरक्षा बलों के द्वारा चलाया जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान बूढ़ा पहाड़ से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। तो बता दें कि बरामद हथियारों में कई अत्याधुनिक हथियार भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रही है। बता दें कि पुलिस और सुरक्षा बल लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिससे माओवादियों के पांव उखड़ गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, या कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों और लातेहार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर बूढ़ा पहाड़ से हथियार बरामद किए गए हैं और जहां माओवादियों ने गोला बारूद छुपा कर रखे थे। तो ये बड़ी सफलता, जहां लगातार नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा, राज्य सरकार की तरफ से और पुलिस प्रशासन को एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। एक बार फिर से बता दें कि ये जो गुप्त सूचना के आधार पर सर्च अभियान चलाया गया था, इसमें कई चीजें बरामद की गई है और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। और इन हथियारों में कई अत्याधुनिक हथियार भी शामिल हैं। ये कार्रवाई एसपी को मिली सूचना के आधार पर की गई थी और अभी भी पुलिस के द्वारा जो सर्च अभियान है वो जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार ये सर्च अभियान जारी है पुलिस के द्वारा और एक के बाद एक सफलता मिल रही है। और बूढ़ा पहाड़, खास करके नक्सलवाद का जो गढ़ माना जाता था, अब वहां से माओवादियों के पांव उखड़ गए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको लातेहार से दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए हैं, कुछ अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरें लातेहार से, तो लगातार लातेहार में खास करके जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है और खास करके बूढ़ा पहाड़, जहां से यह हथियार बरामद किए गए हैं, ये नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। जो वहां पहले से दस्ता मौजूद था उसे मुक्त करा लिया। पिछले कुछ दिनों से हमें ये सूचना मिल रही थी कि उनके कुछ छुपाए गए, पहले रखे हुए हथियार वहां भारी मात्रा में मौजूद हैं, जिसके लिए बूढ़ा पहाड़ में भ्रमणशील दस्ता वापस वहाँ जाएगा अपने हथियार को प्राप्त करने के लिए। इस संबंध में हम लोगों ने समन्वय आपस में स्थापित किया, जिसमें लातेहार पुलिस बल, कोबरा, CRPF, झारखंड जगुआर की AG की टीमें, सब लोगों ने एक ज्वाइंट अभियान चलाया। और उस ज्वाइंट अभियान में हमें ये करीब अभी 10 के आसपास जो कम्प्लीटली फंक्शनल हथियार हैं, करीब 950 के आसपास अलग अलग वेपन्स के एम्युनिशंस हैं और हैंड ग्रेनेड्स हैं, UVGL हैं और दूरबीन है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी आशीष। आशीष, बहुत बड़ी सफलता लातेहार पुलिस को लगी है और सर्च अभियान में बूढ़ा पहाड़ में काफी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? जी प्रभा, ये लातेहार जिला के लिए ये बहुत बड़ी सफलता है। ये पुलिस को बहुत बड़ा सफलता ये मिली है। बूढ़ा पहाड़ में छुपाए हुए हथियार थे, गोला बारूद थे, जितना भी थे सामग्री, मतलब पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए ये छुपाए हुए थे और ये है से पुलिस जो है बरामदी कर दी है। और हालांकि लातेहार SP ने कहा कि अभी अभियान जो चलते रहेगी, और भी हम लोग को जो सूत्र के हवाले से हम लोग को सूचना मिल रही है कि अभी बहुत सारे वहाँ पे बूढ़ा पहाड़ में खदीरा छुपा कर रखा हुआ है, एक बम है, राइफल है, गोली है, मतलब जितना भी सामग्री है बहुत छुपाया हुआ है। दूसरी बात है कि अभी इनमें जो पुलिस की सफलता जो मिली है इसमें बिल्कुल आशीष, और जिस तरीके से हथियार बड़ी मात्रा में बरामद हुए हैं आशीष, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक सर्च अभियान चल रहा है, हथियार बरामद हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बूढ़ा पहाड़ अभी भी पूरी तरीके से माओवादियों ने नहीं छोड़ा है, उनका आना जाना लगा है, तो उनके बारे में भी कुछ अभी पता चला है? बात की जाए तो बूढ़ा पहाड़ का तो नक्सलियों से मुक्त नहीं करा पाई है, लेकिन हाँ बहुत बूढ़ा पहाड़ पे पुलिस के कब्जा हो चुकी है। और इन लोग जो है अब नक्सली जो है पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए लैंडमाइंस जो है
वो जगह जगह पे लगा दिए हैं कि भाई आए तो पुलिस को नुकसान उसे पहुंचा जा सके। तो हालांकि जो पुलिस भी है कमरकस भी है और उन्होंने भी बूढ़ा पहाड़ को नक्सली मुक्त कराने के लिए अभियान चला रही है। बिल्कुल आशीष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लातेहार से ये खबर सामने आ रही है जहां पर सुरक्षा बलों को ये बड़ी सफलता मिली है और भारी मात्रा में यहां पर हथियार बरामद किए गए हैं जो कि छुपा कर रखे गए थे माओवादियों के द्वारा।